2022 का चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के साथ सभी प्रत्याशी भी अपना तेवर दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाने के लिए प्रत्याशी ने महिलाओं को कार्यक्रम में साड़ी देने का बहाना देकर बुला लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को महिलाओं का पूरा समर्थन मिलने के लिए काफी भीड़ भी दिखाई दी। लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही महिलाओं को लाइन लगाकर साड़ियां तो बांटी गई, लेकिन जिन महिलाओं को साड़ियां नहीं मिली उन महिलाओं ने उन्हें जमकर गालियां भी दी। अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम क्या था और कहां था। दरअसल कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी अपनी कमर कस चुके हैं। जिले में सिकंदरा विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां से आज तक सपा का कोई विधायक नहीं चुना गया। अब इस सीट से प्रभाकर पांडे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही को बुलाया। जूही सिंह को कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ दिखाने के लिए महिलाओं को साड़ियों को लालच देना पड़ा। तो कुछ मिला नहीं आपको क्या? पानी तक नहीं मिला, सुबह से आया है। अरे महिलाओं की भीड़ को देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बेहद खुश हुई, पर जिन महिलाओं से उम्मीदवारों ने वादा किया था वो बदले में पूरा नहीं हुआ तो महिलाओं ने जमकर गालियां भी दी। अब आप भी सुनिए महिलाओं ने क्या कुछ कहा। ये कैसे ले आया था कि हमारी जनता देखो आके हमको वोट देना, हम लोग समाज में आए, तुमने लालच कर दिया साड़ी का। साड़ी मिली नहीं आपको? जिन्हें साड़ियाँ मिल गई वो तो खुश होकर चली गई, पर जिन्हें नहीं मिली वो गालियाँ देने लगी। मतलब साफ है कि चुनाव जीतने के लिए अब हर जोर आजमाई जरूर की जाएगी, इन तस्वीरों से साफ होता दिख रहा है। कानपुर देहात से अवनीश अवस्थी, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।